हम ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पुलिस का इस पर रिएक्शन क्या है। पंजाब पुलिस का आधिकारिक बयान भी बहुत जल्द आपके सामने होगा, क्योंकि इस घटना से हड़कंप निश्चित तौर पर मचा हुआ है। जिस तरह से एक मिलिट्री कैंप के अंदर ये सब कुछ घटा है, सुबह तड़के 4:30 बजे की ये घटना है, और अंजू निर्वाण हमारी सहयोगी ये बता रही है कि क्रॉस फायरिंग हुई और क्रॉस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हुई है। खबर ये भी सामने आ रही है सोर्सेस के हवाले से कि 4 जवानों की शहादत हुई है। तो देखिए अभी जो अपडेट है, क्योंकि लगातार इसमें तमाम जो, और इस वक्त हमारे साथ मोहित मल्होत्रा जुड़ चुके हैं फोनलाइन पर। मोहित, क्या अपडेट है फिलहाल, क्योंकि कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, कहीं से अभी कंफर्म नहीं हुआ, क्या ऑफिशियली पुलिस की तरफ से और खुद सेना की तरफ से कोई बयान जारी किया गया, क्या बताया जा रहा अभी तक? देखिए अभी पंजाब पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन पंजाब पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई है, और जो आर्मी की जो क्विक रिस्पांस टीम वहां पर मौजूद रहती है इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए, सबसे पहले उन्होंने पूरे इलाके को सील किया और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। लेकिन इससे ज्यादा क्या वहां पर किसी को पकड़ा गया है, ये कौन लोग थे, किस मकसद से फायरिंग की गई, इन सभी सवालों के जवाब अभी फिलहाल। लेकिन मोहित जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसे बहुत तेजी के साथ हम देख रहे हैं। चलिए ठीक है, आपके पास आएंगे, लेकिन अब देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर जो आपके सामने, बठिंडा फायरिंग पर सेना ने पुलिस को जानकारी दी है। हुआ क्या, क्या पूरा वाकया था, घटना क्या हुई है, फायरिंग पर सेना का आतंकी हमले से इंकार, ये बहुत बड़ी अपडेट है। आतंकी हमले से साफ तौर पर सेना ने अब इंकार कर दिया है। फायरिंग पर सेना ने आतंकी हमले से इंकार किया है, यानी जिस बात की आशंका थी, क्योंकि फायरिंग हुई है, 4 लोगों की मौत हुई है, तमाम आशंकाएं थी कि क्या कोई आतंकी हमला था, क्या कोई खालिस्तानी हमला था, कैसे अंदर फायरिंग हो गई, अब इस पर एक क्लैरिटी सेना की तरफ से जारी की गई है। पुलिस को इंफॉर्मेशन दी गई और कहा गया है कि ये कोई आतंकी हमला नहीं था। करुणा, ये दरअसल भटिंडा के SSP हैं जिन्होंने मीडिया को ये बताया है, पत्रकारों को ये बताया है कि फिलहाल इसे आतंकी हमला नहीं माना जा सकता। भटिंडा के SSP का ये बयान है, यानी पंजाब पुलिस का पहला आधिकारिक बयान इसे माना जा सकता है, लेकिन अभी तक सेना की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है, सिवाय ये बताने के कि 4:35 पर ये हमला हुआ, फायरिंग हुई, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई है। क्योंकि भटिंडा का ये मिलिट्री स्टेशन है जहां पर ये फायरिंग हुई है, 4 लोगों की जान गई है, इसलिए भटिंडा के SSP से ये सवाल पूछे गए थे कि आपको क्या जानकारी है, तो उन्होंने इसे आतंकी हमला नहीं माना है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि यह आतंकी हमला नहीं है। उधर सेना की तरफ से पंजाब पुलिस को आधिकारिक तौर पर यह बताया गया है कि मिलिट्री कैंप के भीतर आखिर हुआ क्या, लेकिन भटिंडा के SSP के पास जाहिर है कुछ पुख्ता इंफॉर्मेशन आई होंगी हमलावरों से जुड़ी, जिसके बिना पर अब वो ये कह रहे हैं कि ये आतंकी हमला इसमें नहीं है। समीर, आप अगर देखेंगे तो जो SSP है उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि सेना की तरफ से जो इंफॉर्मेशन दी गई उसमें ये क्लियर किया गया है कि आतंकी हमला ये नहीं था, और उसके बाद ये पंजाब पुलिस का बयान सामने आया। ये इंफॉर्मेशन जो है वो सेना की तरफ से पुलिस को शेयर की गई, जिसमें कहा जा रहा है कि सेना ने इसे आतंकी हमला नहीं माना है। ये आधिकारिक तौर पर भटिंडा के SSP, लेकिन कुछ सवाल जरूर हैं और बहुत अहम सवाल हैं। हमला अगर हुआ है तो किसी ने किया है, कौन है वो लोग, दूसरा के मकसद क्या हो सकता है इस हमले का अचानक से, और तीसरा सवाल ये कि उनकी वो यहां तक पहुंचे कैसे, हथियारों के साथ, वेपन्स के साथ, एक आर्मी कैंप के इतने नजदीक कि वो वहां के मौजूद लोगों पर हमला कर सके, कहां फरार हुए, क्या किसी के इशारे पर ये सब हुआ है, क्या ये एक प्लान्ड और कह सकते हैं कि प्री प्लान्ड और पहले से पूरी तैयारी के साथ हमलावर आए थे, या फिर कुछ ऐसी बात हुई है जिसमें उन्होंने ये अचानक से हमला किया, ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब मुझे लगता है कि धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगा। कर्नल अनुराग, ये सिचुएशन में आप क्या बता सकते हैं अभी इस वक्त उस इलाके में एग्जैक्टली ऑपरेशन कैसे चल रहा होगा? जी, ये कहना बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि अटैकर्स कितने हैं, किस जगह पे हैं, उनके पास कौन कौन सी तरह के हथियार हैं, तो डेफिनेटली एक चैलेंजिंग ऑपरेशन है, और इतने बड़े इलाके में जो
हमारी क्विक रिएक्शन टीम एक्ट कर रही है, उनके लिए बहुत चैलेंजिंग जॉब है कोऑर्डिनेशन करना, खासकर बिल्डअप एरिया के अंदर जब लड़ाई चलती है और अपने ही एरिया में लड़ाई चलती है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अंदाजा लगाना। सोई सर, लेकिन बिल्कुल सर आप ठीक कह रहे हैं। सोई सर, आप मानते हैं ये इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि आप पुलिस भी कह रहे, बठिंडा के SSP का बयान आ चुका है कि ये आतंकवादी घटना नहीं है, ये टेररिस्ट अटैक नहीं है, तो इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत बड़ा चैलेंज है। कोई जो है जो लगातार ताक पर था कि इस तरह का हमला हो सकता है, पूरी प्लानिंग थी फिर इसको लेकर? देखिए ऐसा है कि यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा, इस चीज़ को अभी ज़्यादा ना लिया जाए कि हमला कैसे हुआ, यह घटनाक्रम अभी धीरे धीरे निकल के आ रही है, नई नई बातें निकल के आ रही है। साहब देखिए, आपने नई बातों का जिक्र किया, एक और नई बात जानकारी नई सामने आई है कि एक इंसास राइफल गायब हुई थी, इसी मिलिट्री स्टेशन से एक इंसास राइफल गायब हुई थी, उसके साथ 28 कारतूस गायब हुए थे और अब ये घटना हो गई। नहीं बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बात जो है ना धीरे धीरे निकल के आ रहे, नए नए इनपुट आ रहे हैं कि क्या वो इंटरनल है या किसी ने बाहर से हमला किया है, कहाँ से किया है, कितने लोग आए हैं, ये बात बाद में। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, एक और अपडेट आया सर कि बाहर से कोई आदमी नहीं आया है। ये करेक्शन बताना दर्शकों को बहुत जरूरी है। यही मैं कहने वाला था कि इसलिए अभी ये घटनाक्रम, अभी सिर्फ फायरिंग की खबर आई है और कैजुअलिटीज की खबर आई है, लेकिन मैं रेस्पॉन्स बता सकता हूँ कि इस तरह की फायरिंग होते ही 24 घंटे क्विक रेस्पॉन्स। बिल्कुल, देखिए